हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल Creator24 के अंदर। तो दोस्तों, आपको हमने जो पिछले वीडियो में एक अपडेट डायलॉग वाला ऐप दिया था, उसको हम आज प्रेसिट के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर तक अगर आप नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और साथ साथ मैं आप बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो। तो चलो वीडियो को मैं बिना रहेंगे भाई शुरू करता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइन पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है, ठीक है, जो कि हमारा मेन स्ट्रक्चर है डायलॉग का। और उसके अंदर हमने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया है, और उस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर हमने एक इमेज लिया है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का प्रॉपर्टीज आप देख लेना, काफ़ी ज़्यादा आसान है। साथ ही हमने गाइस यहाँ पर एक स्पेस लिया है, यहाँ पर हमने एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया है। और गाइस यहाँ पर वर्सन नाम का हमने गाइस यहाँ पर एक लेबल लिया है, और यहाँ पर कितना वर्सन है वो शो होगा। और गाइस शो व्हाट न्यू बोल के हमने यहाँ पर एक लेबल लिया है, जो कि है ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर। और गाइस यहाँ पर हमने स्पेस लिया है। अब गाइस ये जो सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर शो होगा, ठीक है, ये जो डिटेल्स है, आप ये डिटेल्स को मैं जो है वो स्प्रेडशीट से कॉल करूँगा। कॉल करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर जो डायनामिक लेबल है उसके अंदर शो करूँगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने डायनामिक लेबल और डायनामिक स्पेस दो डायनामिक कंपोनेंट को यूज़ किया है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर हमने एक स्पेस लिया है, और गाइस हमने एक राउंडेबल बटन लिया है, ठीक है। तो गाइस ये एक्चुअली में बटन नहीं है, ये कार्ड व्यू है। तो गाइस आपको पता होगा, अगर आप एक अच्छा राउंडेबल बटन बनाना चाहते हो तो गाइस आपको कार्ड व्यू कितना ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर हमने एक नोटिफायर कंपोनेंट लिया है, स्प्रेडशीट का कंपोनेंट लिया है। और गाइस हमने एक एक्टिविटी स्टार्टर लिया है, जिसके अंदर एक्शन दिया एंड्रॉइड डॉट इन डॉट एक्शन डॉट व्यू। और गाइस मैं अगर स्प्रेडशीट के डाटाबेस के बारे में बात करूँ, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने चार टेबल क्रिएट किए हैं, वर्सन कोड डाउनलोड और वर्सन नेम और वर्सन डिटेल्स बोल के, ठीक है। वर्सन कोड के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ मैं मैच करूँगा हमारा एप्लीकेशन के अंदर जो वर्सन कोड है उसके साथ। अगर यहाँ पर जो वर्सन कोड ये मैच नहीं करता तो गाइस मुझे पता चल जाएगा कि अपडेट आया है। और गाइस अपडेट आने के बाद जो यूआरएल पे जो यूज़र रिडायरेक्ट होगा वो यूआरएल आप यहाँ पर डाल दो। तो गाइस मैंने यहाँ पर सोचा था कि कस्टम डाउनलोडर लगा दूँ, लेकिन गाइस कस्टम डाउनलोडर का जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन अलग अलग डिवाइस में काम नहीं करता, बहुत सारे डिवाइस में अटक जाता है डाउनलोड, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो गाइस इसी वजह से जब यूज़र अपडेट बटन पर क्लिक करे तब आप कोई एक यूआरएल पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूज़र को। और गाइस यहाँ पर हमने वर्सन नेम बोल के एक टेबल क्रिएट किया है, और गाइस यहाँ पर ये जो वर्सन है ये यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और वर्सन डिटेल्स आपको पता होगा, ये जो वर्सन डिटेल्स है ये वर्सन डिटेल्स है, ठीक है। तो गाइस अगर आप वर्सन डिटेल नहीं देना चाहते तो गाइस उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन ला दिया है ब्लॉक्स के अंदर, वो है, ठीक है। तो चलिए ब्लॉक्स पे चलते हैं कुदलर पे जाके। तो गाइस चलो ब्लॉक्स पे चलता हूँ, ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो गाइस यहाँ पर हमने दो वेरिएबल दिया है, वर्सन डिटेल्स बोल के और इंडेक्स बोल के। आप गाइस वर्सन डिटेल्स के अंदर यहाँ पर जितने भी वर्सन हमको मिलेंगे वो सारा का सारा एक लिस्ट के अंदर शो हो जाएगा, और उसी लिस्ट को हम डायनेमिक लेबल के अंदर शो करेंगे। कैसे करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्सन डिटेल्स बोल के एक वेरिएबल लेना है, कुछ भी नाम दे सकते हो। और गाइस यहाँ पर हमने इंडेक्स का एक वेरिएबल लिया है, और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसको हमने 0 डाल दिया है। आप गाइस इंडेक्स के बारे में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अगर आप स्प्रेडशीट से एक स्प्रेडशीट कॉम्पोनेंट से बहुत सारे डाटा को कॉल करवाना चाहते हो स्प्रेडशीट या टेबल के स्प्रेडशीट से अंदर से, तो गाइस आपको इंडेक्स चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पर हमने जब स्क्रीन वन हमारा इनिशियलाइज हो रहा है, तब गाइस हम चेकिंग अपडेट बोल के एक प्रोग्रेस डाल दिया है, जो कि हमको नोटिफायर के अंदर मिल जाता है। और गाइस साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर गेट सेल बोल के हमको एक स्प्रेडशीट के अंदर ब्लॉक मिलता है, जो कि है ये गेट सेल। और गाइस हमको रो नंबर देना पड़ता है और कॉलम नेम देना पड़ता है। तो गाइस रो नंबर हमको यहाँ पर पता ही है, ये पहले पोजिशन पर है। और गाइस कॉलम नेम क्या है, वर्सन कोड, ठीक है। तो ये वर्सन कोड कॉलम से जो वैल्यू है इसको बुलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइज मैंने यहाँ पर इंडेक्स कर दिया है 1, ठीक है। अब गाइज जब हमको सेल मिल जाता है तो गाइज हमको यहाँ पर ब्लॉक मिलता है गॉट सेल। जब हमको सेल मिलता है तब गाइज हम क्या चेक करें, इस इंडेक्स के अंदर वैल्यू अगर 1 है तो गाइज हमको पता चलेगा वर्सन कोड से जो वो डाटा आया है, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर गाइज यहाँ पर इक्वल वाला एक ब्लॉक ले लेता हूँ, ये जो इक्वल वाला, इस इक्वल वाला। अब गाइज वर्सन कोड, ठीक है, ये ब्लॉक आपको कहाँ पर मिलेगा, स्क्रीन वन पे अंदर पे जाके, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है वर्सन कोड। तो वर्सन कोड अगर इसके साथ मैच नहीं करता तो गाइज हमको पता चलेगा कि हमने हमारा एप्लीकेशन को जो वो अपडेट किया है, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो एप्लीकेशन का वर्सन कोड है उसके साथ अगर ये मैच नहीं करता तो गाइज मैं क्या करूँगा, मैं गाइज अब गाइज यहाँ पर जो डाउनलोड यूआरएल है उसको मैं कॉल करूँगा, ठीक है, जिस पे क्लिक करके, अपडेट पे क्लिक करके
यूज़र जो यूआरएल पे रिडायरेक्ट होगा उस यूआरएल को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, ठीक है। और गैस यहाँ पर मैं इंडेक्स 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब गैस यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर भर्सन कोड अगर ठीक है मैच कर जाता है तो गैस क्या करूँगा, गैस यहाँ पर जो डायलॉग है इसको मैं यहाँ पर डिसमिस कर दूंगा, ठीक है। और गैस मैं यहाँ पर इफ देन, यहाँ से इस इफ देन के अंदर गैस हमने 3 else if लगा दिया है, 3 else if पे आपको चाहिए, ठीक है। तो गैस हमने एक else if लिया है, ठीक है। और गैस else if के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ गैस, जो इंडेक्स है उसके अंदर गैस आप डाटा 2 है कि नहीं मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर गैस 2 हो जाता है, ठीक है, इंडेक्स इसके अंदर 2 डाटा है क्योंकि गैस हमने यहाँ पर इंडेक्स 2 सेट किया था, तो गैस इसके अंदर अगर 2 है तो गैस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गैस सिंपली जो एक्टिविटी स्टार्टर का डाउनलोड URL है उसके अंदर डायरेक्ट में जो वैल्यू है ये जो डाउनलोड URL है इसको मैं जो वो स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो गैस हमारे यहाँ पर स्टोर हो गया। अब स्टोर हो जाने के बाद गैस ये जो वर्जन नेम है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो सेम प्रोसेस है, ठीक है। 1 row number 1 और कॉलम नेम हमने वर्जन नेम दे दिया है, और गैस यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स हमने 3 दे दिया है। अब उसके बाद गैस अगर ग्लोबल इंडेक्स 3 हुआ तो गैस ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल 2 है, ठीक है। तो इस लेवल 2 के टेक्स्ट के अंदर गैस यहाँ पर जो वैल्यू है, जो वर्जन हमने यहाँ पर दिया होगा, वो वर्जन नेम यहाँ पर गैस इस टेक्स्ट के अंदर शो हो जाएगा, और गैस जो वर्जन डिटेल्स है उसको आप ये कॉल करेगा। अब गैस यहाँ पर आप समझना, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर देखो रो नंबर, देखो गैस यहाँ पर हमने 1 दिया है, और गैस वर्जन डिटेल्स बोल के हमने कॉलम से जो डाटा को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहले पोजीशन से हम डाटा को कॉल कर रहा हूँ सबसे पहले। और गैस जब गैस डाटा आ जाएगा तब गैस मैं यहाँ पर अगर इंडेक्स 4 हुआ तो गैस मैं यहाँ पर एक और इफ देन का फॉर्मूला ले रहा हूँ कि अगर गैस जो वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू नो डिटेल्स, ये वैल्यू आया है, ठीक है। लेकिन तो गैस यहाँ पर तो नो डिटेल्स बोल के कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो गैस अगर गैस इसके अंदर नो डिटेल्स हुआ तो गैस ये पहले ही डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है। तो गैस वो सिंपली क्या करेगा, जो डिटेल्स अरेंजमेंट है, ये जो डिटेल्स अरेंजमेंट है, ये जो सो व्हाट न्यू का ये जो अरेंजमेंट है, ये सारा का सारा क्या करेगा, ये इनविजिबल कर देगा, ठीक है। तो इनविजिबल कर देगा, इनविजिबल कर रहा है, और गैस जो प्रोग्रेस डायलॉग है उसको डिसमिस करेगा, अपडेट डायलॉग अरेंजमेंट को ये विजिबल कर देगा, क्योंकि गैस हम ये जो अपडेट डायलॉग अरेंजमेंट है इसको तो हम हर वक्त जो वो ओपन नहीं कर सकते, मतलब विजिबल नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। तो गैस मैं डिज़ाइन पे जाके इसको सिंपली इनविजिबल कर दूंगा, और गैस ये अपडेट डायलॉग की ज़रूरत जब भी हमको पड़ेगा तब हम क्या करेंगे, ब्लॉक पे जाके विजिबल कर देंगे, ठीक है। विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, और गैस मैं क्या कर रहा हूँ, जो डायलॉग है उसको क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कैसे डायलॉग को क्रिएट करते हैं, पॉपअप डायलॉग को, ठीक है। उसके बारे में बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये सब डायलॉग को क्रिएट करेगा, डायलॉग को क्रिएट करने के बाद गाइज ये कस्टम डायलॉग को शो कर देगा, ठीक है। तो यही है, तो गाइज अगर गाइज नो डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो गाइज नो डिटेल्स नहीं है, ठीक है। नो डिटेल्स अगर नहीं है तो गाइज क्या होगा यहाँ पर, तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर गाइज ये नो डिटेल्स नहीं है तो गाइज हमको पता चल जाएगा कि हमने कुछ ना कुछ डिटेल्स यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। ऐप जो अपडेट हुआ है, ऐप के अंदर नया क्या क्या फीचर हमने डाला है वो गाइज हमने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। तो गाइज ये सिंपली क्या करेगा, गेट गॉट कॉलम बोल के हमको यहाँ पर एक स्प्रेडशीट के अंदर ब्लॉग मिल जाता है, गॉट कॉलम, ठीक है। तो गाइज हमको कॉलम लेन देना है वर्जन डिटेल, और मैक्सिमम रिकॉर्ड आप 100 रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, 500, 1000, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने गाइज यहाँ पर 100 दिया है। उसके बाद गाइज जब हमारा जो कॉलम है वो आ जाएगा, वर्जन डिटेल्स के अंदर जो जितने भी डाटा है वो गाइज हमारे पास अगर आ गया, तो गाइज हमने यहाँ पर पहले एक वेरिएबल लिया है आपको पता होगा, तो इसके अंदर जितने भी वैल्यूज आए हैं उसको मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर स्टोर कर दे रहा हूँ। वो गाइज वो क्या होगा, वो सारा का सारा वैल्यू लिस्ट की तरह उसके अंदर, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पर हमने फॉर इच नंबर का एक लूप ले लिया है, ठीक है। और गाइज इसका जो लेंथ है इसको हमने दिया है, जितने भी यहाँ पर डाटा होंगे उसके हिसाब से इसका जो लेंथ है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द लिस्ट, ठीक है, जितने भी वर्जन डिटेल्स का अंदर जितने भी वैल्यू है उसका हिसाब से इसका लेंथ सेट हो जाएगा। और गाइज अब क्या होगा, गाइज अब गाइज हमको यहाँ पर डायनामिक कॉम्पोनेंट को चाहिए, तो गाइज मुझे यहाँ पर डायनामिक कॉम्पोनेंट लेबल पे क्लिक करना है, और गाइज यहाँ पर हमको सबसे पहले लेबल को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज आपको यहाँ पर आईडी के अंदर ये नंबर दे देना है, और अरेंजमेंट के अंदर
ये जो डिटेल्स अरेंजमेंट है, ये डिटेल्स अरेंजमेंट के अंदर ही तो लेबल शो होगा ना, तो गाइस इसी वजह से गाइस हमको यहाँ पर अरेंजमेंट दे देना है डिटेल्स अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर गाइस हमने इसका जो फॉन्ट है इसको भी हमने चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेबल के अंदर मिलता है गाइस सेट फॉन्ट, तो आईडी हमको यहाँ पर यही दे देना है आईडी बोल्ट। अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ट रखना चाहते हो तो आपको इसको ट्रू कर देना है। और गाइस ये जो इटैलिक है ये एक फॉन्ट स्टाइल है, तो गाइस आप इसको जो चाहे वो रख सकते हो। मैं गाइस इसको यहाँ पर फॉल्स दे रहा हूँ। और गाइस हमारा जो टेक्स्ट है वो गाइस शो होगा, तो डायनेमिक लेवल के अंदर हमको मिलता है सेट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है इसको हमको यहाँ पर लगाना है आईडी, वही देना है गेट नंबर, ठीक है। और टेस्ट के अंदर आपको क्या देना है, तो टेस्ट के अंदर आपको ये देना है सिलेक्ट लिस्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट, ठीक है, सिलेक्ट लिस्ट आइटम फ्रॉम इंडेक्स। तो गाइस आपको इंडेक्स यहाँ पर मिल चुका है नंबर, और गाइस यहाँ पर आपको लिस्ट क्या देना है, जो हमने यहाँ पर जो वेरिएबल दिया था ये इसके अंदर से गाइस एक एक करके सारा लेब जो वो डाटा को ये कॉल करेगा। और गाइस कॉल करने के बाद क्या करेगा, ये जो हमने डायनेमिक लेबल लिया है इसके अंदर टेस्ट के अंदर इसको शो कर देगा। और गाइस एचटीएमएल फॉर्मेट में क्या आप रखना चाहते हो, तो गाइस मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। और गाइस हर एक लेबल के नीचे गाइस मैं चाहता हूँ छोटा सा गैप रहे, ठीक है, जो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो छोटा सा गैप रहे। तो इसी वजह से हमने डायनेमिक स्पेस बोल के कॉम्पोनेंट लिया है, ठीक है, डायनेमिक स्पेस। और गाइस आईडी आपको सेम टू सेम देना है। और गाइस यहाँ पर अरेंजमेंट कौन सा है, सेम अरेंजमेंट डिटेल्स अरेंजमेंट। और गाइस आपको विड्थ जो चाहे वो रख सकते हैं, मैंने गाइस यहाँ पर 10 दिया है। और गाइस इसका हाइट भी आपको 10 दे देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो डाटा को कॉल करके ये गाइस जो डायनामिक टेक्स्ट है उसके अंदर शो कर देगा। अब गाइस शो हो जाने के बाद मैं चाहता हूँ जो डायलॉग है वो गाइस शो हो जाए, ठीक है। तो गाइस लेकिन गाइस उससे पहले हमने यहाँ पर जो प्रोग्रेस डायलॉग शुरू किया था उसको हमको सबसे पहले डिसमिस करना पड़ेगा। डिसमिस करने के बाद गाइज हमको क्या करना पड़ेगा, जो अपडेट डायलॉग है उसको विजिबल करना पड़ेगा। और विजिबल करने के बाद गाइज आपको हमको डायलॉग को क्रिएट करना पड़ेगा, और गाइज हमको डायलॉग को शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिंपल था। और गाइज इसके बाद जब गाइज अपडेट बटन पर कोई क्लिक करेगा तब गाइज ये क्या होगा, हमारा जो एक्टिविटी स्टार्टर है उसको स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि गाइज हमने एक्टिविटी स्टार्टर के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू डाल दिया है, ठीक है, डाटा यूआरआई के अंदर वैल्यू ऑलरेडी डाल दिया है। तो गाइज इसी प्रकार से गाइज आप एक बहुत ही बढ़िया अपडेट डायलॉग क्रिएट कर सकते हो, उसको स्प्रेडशीट के अंदर से कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपने कैसे कस्टम डायलॉग क्रिएट करते हैं वो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर से जाके देख लो, वहाँ पर मैंने सारे का सारे डिटेल्स बता दिया है। और साथ ही साथ ये जो इंडेक्स है इसको ये क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में भी अगर आपको जानना है, तो गाइज मैंने भी उसका भी लिंक नीचे दे दिया है। मैं दो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो दो वीडियो आप ज़रूर से जाके एक बार देख लो, अगर अगर आप नए सब्सक्राइबर हो हमारे चैनल के अंदर, ठीक है। तो गाइज अगर आपको इसका AI फाइल डाउनलोड करना है तो गाइज आपको हमारे GTA 24 ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके अंदर मैंने इसका AI फाइल डाल दिया है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।